नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म जो होता है, उस फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, उस फॉर्म को हम ऑफलाइन कैसे भरेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है और क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको जमा कर देना है बैंक में, और फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा। आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका अकाउंट अगर जनधन खाता है या मिनी ब्रांच में अकाउंट खुलवाए हुए हैं, तो उसका अकाउंट क्या होता है कि उसका अप्लाई एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको मेन ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आप मेन ब्रांच से एटीएम कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेन ब्रांच में जाना है। और मेन ब्रांच में जाएंगे तो वहां से आपको मांगना है, बोलना है कि हमें एटीएम कार्ड फॉर्म चाहिए, एटीएम अप्लाई करना है न्यू। तो आपको फॉर्म देगा, आपको उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, आपको इस वीडियो को देख करके आपको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह का फॉर्म मिले काउंटर पर लेंगे तो आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा, अप्लीकेशन फॉर्म फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म पे आपको बैंक नेम मतलब कि ब्रांच नेम डालना होगा, बैंक किस गांव में है उस ब्रांच का नाम डालेंगे। यहां पे आप ब्रांच का नाम डाल देंगे तो आपका जो जिस भी ब्रांच आपको पड़ता होगा आप उसका नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, अपना ब्रांच का नाम मतलब कि बैंक किस गाँव में है वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो आप सब कैपिटल में डाल सकते हैं, पूरा चीज़ जो भी लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे ताकि अगला को पढ़ने में समझ में आ सके बैंक अधिकारी को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सबको कैपिटल में लिखना पड़ता है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ब्रांच नेम लिखने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है कि आपका अकाउंट है जो कौन सा, सेविंग है कि करेंट है। तो मेरा अकाउंट सेविंग है तो यहाँ पर लिख देंगे SAV। ठीक है, अकाउंट टाइप मतलब अकाउंट किस प्रकार का है, तो मेरा अकाउंट सेविंग है तो SAV लिखेंगे। ये लिखने के बाद में आपको आगे अकाउंट नंबर डाल देना है, यहाँ पर लिखा हुआ अकाउंट नंबर, तो आप अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देंगे। अकाउंट नंबर हम फिल कर लेते हैं, मैं फिर आपको आगे बताता हूँ कि आपको फिल करना है। ठीक है, तो अकाउंट नंबर हम यहाँ पर डाल लेते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर देना है कि लिखा हुआ है द पार्टिकुलर और अंडर मतलब कि अपना को अपना नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आप यहाँ पर लास्ट का नाम लिखेंगे, जैसे कि रमेश कुमार सहनी है तो आप लिखेंगे बीच वाले में फर्स्ट नेम लिखेंगे और लास्ट वाले में मिडिल नेम लिखेंगे और शुरू वाले में लास्ट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सहनी। ठीक है, और यहाँ पे हम सहनी लिखेंगे लास्ट नेम, सर नेम का मतलब होता है लास्ट का नाम। ठीक है, और उसके बाद हम फर्स्ट नेम डालेंगे। ठीक है, राम कुमार, राम सहनी है तो यहाँ पर राम डाल देंगे, जो भी रहे नाम आप डाल लीजिएगा। ठीक है, और मिडिल नेम आप छोड़ सकते हैं या डाल भी सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मेरा यहाँ दो ही नाम था, सर नेम और लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे के बाद में आप जेंडर को फिल कर देंगे। ठीक है, जेंडर में टिक लगा देंगे तो यहाँ पर जेंडर को हम यहाँ पे मेल कर देते हैं। मेल करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप डाल लेते हैं, जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा आप सही से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को डाल लीजिएगा, आधार कार्ड को देखते हुए सब फिल करना है। ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम एज रिक्वायर्ड ऑन आधार सॉरी ऑन कार्ड। अब कार्ड पर कौन सा नाम रखना चाहते हो, तो सेम नाम जो नाम है वही नाम रखना चाहते हैं तो वही सुल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सुल्टा लिखेंगे, वहाँ पे उल्टा लिखाया था कि पहले सर नेम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको जो नाम है वही नाम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राम सहनी डाल दिया है, राम सहनी का था तो ठीक है राम सहनी हो गया। आपको यहाँ पर रेजिडेंट एड्रेस, आपको जो भी एड्रेस आपका आधार कार्ड पर एड्रेस होगा वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, ताकि आपको डाकिया आपके घर पर आसानी से पहुँच सके एटीएम कार्ड को लेकर के, इसलिए यहाँ पर एड्रेस को मांगता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑफिस वाला एड्रेस है तो दीजिए, वरना इसे खाली छोड़ देंगे, इसे खाली छोड़ देंगे क्योंकि मेरे पास में ऑफिस एड्रेस है नहीं। तो यहाँ से हम होम का एड्रेस डालेंगे, जहाँ मेरा घर है वहाँ का डालेंगे। तो यहाँ पे गांव का नाम डालेंगे, गांव का नाम डालने के बाद में जो भी आपका होगा पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, ठीक है, तो ये सब फिल कर लेना है आपको। यहाँ पर एड्रेस आपको आधार कार्ड से देख करके डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस आप आधार से देख करके डाल सकते हैं। तो हम ये सब फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद में आपको नीचे लेके चलता हूँ। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, या आपको टेलीफोन नंबर है तो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, मैनुअली मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, उसके बाद अपना मेल आगे दे सकते हैं, आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं मेल को, कोई दिक्कत नहीं, क्यों डालना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को डाल दिए, मोबाइल नंबर डालने के बाद में क्या करेंगे, अपना ईमेल को देंगे वरना से खाली छोड़ेंगे। ठीक है, और नीचे आपको जाना है, एक स्टेप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कुछ, आप पढ़ लेंगे इसे, से पढ़ने के बाद में आपको फिर से नीचे आना है और नीचे आपको एक सिग्नेचर कर देना है और आपको सिग्नेचर करके काउंटर पे जमा कर देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नीचे में आपको आना है और यहाँ पे आपको अप्लीकेशन सिग्नेचर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर मार देना है, जो भी आप करते होंगे इंग्लिश या हिंदी कोई में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि जो हम पहले किए वैसा ही होना चाहिए।
आप कोई भी भाषा में जैसे करते हो सब कर देंगे, ठीक है। और करने के बाद में आप क्या करेंगे, नीचे से पीछे में इसका बैक साइड में एक बार सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा और दो सिग्नेचर आपको पीछे से बैक साइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ आ गया वैसा यहाँ पीछे दो बार कर देंगे सिग्नेचर और पीछे लिख देंगे क्या कि मेरा पहले वाला एटीएम कार्ड को बंद कर दिया जाए, ठीक है। आप वैसा लिख देंगे और आप क्या करेंगे काउंटर पर जमा कर देंगे। साथ ही साथ आप पैन कार्ड लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। आपको 8 से 10 दिन में एटीएम आपको घर पर आ जाएगा, नहीं तो आपको बैंक में चलाएगा या डाकिया घर में चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेट मार देना है, आपको डेट हम भूल गए थे तो डेट भी डाल देंगे। डेट डालने के बाद में आपको ये सब खाली छोड़ देना है, ये सब भर लेंगे बैंक वाले, ठीक है। ये सब हमें भरने की जरूरत नहीं है, हम जितना जानते उतना भर चुके हैं। अब यहाँ पे बैंक वाला नीचे का काम करेगा, ठीक है। आपको सिग्नेचर मार करके जमा कर देना है आपको बैंक में जा करके। आपको 10 दिन वेट करना है, जब अप्लाई करेंगे जब अकाउंट जमा करेंगे तो वहाँ पर आपको 3-4 मिनट आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आपको सामने में वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब वो अप्लाई करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका एटीएम कार्ड है जो कि पहले वाला बंद हो गया है और नया एक्टिवेट होने मतलब कि नया का अप्लाई हो गया है, उसका मैसेज आपको आ जाएगा। हमारा ये मैसेज आया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि हम वीडियो को बना लेते हैं ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो सके एटीएम कार्ड का फॉर्म को फिल करने में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एटीएम कार्ड को फॉर्म को फिल करते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास में जा सके, ठीक है फ्रेंड्स।